लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीबी न्यूज में। अगर आपके बच्चे भी जाते हैं स्कूल तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आपको अगर घंटों उनके साथ बैठकर होमवर्क कराना पड़ता है तो अब आपको और आपके बच्चों को होमवर्क के बोझ से मुक्ति मिलने वाली है। केंद्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर के अनुसार पहली और दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को स्कूल में होमवर्क नहीं दे सकते हैं। इस सर्कुलर में सरकार ने यह भी बताया है कि किस कक्षा में कौन सा विषय पढ़ाया जाना चाहिए। सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि कक्षा एक और दो में छात्रों को भाषा और गणित के विषय पढ़ाए जाने चाहिए। इसके अलावा कक्षा तीसरी से पांचवी तक भाषा, ईवीएस और गणित के विषय पढ़ाने जाने चाहिए। साथ ही इस सर्कुलर में यह भी लिखा गया है कि स्कूल के बस्ते का वजन कितना हो। मानव संसाधन मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर यह गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत कक्षा के हिसाब से स्कूल बैग के वजन को तय कर दिया गया है। पत्र में हिदायत दी गई है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होना चाहिए। कक्षा एक से दो में पढ़ने वाले छात्रों के बैग का वजन अधिकतम 1.5 किलो होना चाहिए। कक्षा 3 से 5 में पढ़ने वाले बच्चों के बैग का वजन 2 से 3 किलोग्राम होना चाहिए। कक्षा 6 से 7 में पढ़ने वाले बच्चों का बैग का वजन 4 किलोग्राम तक होना चाहिए तथा कक्षा 8 से 9 में पढ़ने वाले बच्चों के बैग का वजन 4.5 किलोग्राम तक होना चाहिए और कक्षा 10 में पढ़ने वाले बच्चों के बैग का वजन 5 किलोग्राम तक होना चाहिए। बता दें कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने 5 अक्टूबर 2018 को यह आदेश जारी किया है। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को इस आदेश को तत्काल प्रभाव में लागू करने को कहा गया है। अब इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग को सर्कुलर जारी किया जा रहा है। अभी के लिए इस न्यूज में इतना ही। आपको ये न्यूज कैसी लगी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले, जिससे आपको मिलता रहे हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद।